देवरिया जनपद में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब गिट्टी लदे अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल जा रहे छात्र को रौंद दिया। इस हादसे में छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक साथी छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको इलाज के लिए तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने शव को रोड पर रख जाम लगा दिया। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी, लेकिन घटनास्थल पर घंटों देर बाद पहुंची पुलिस को देख आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए डायल सो की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। यही घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को काबू में किया गया। अर्ली मॉर्निंग करीब 7 बजे के आसपास की बात है, देवरिया से कसिया की तरफ एक ट्रक आ रहा था और उसी में सभी के साथ मुझे स्कूल का समय था। स्कूल है यहाँ पर कमलबाग थाना क्षेत्र, इसका एक बच्चा साइकिल से जा रहा था, ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और स्पॉट पर उसकी डेथ हो गई। तो शासन से लोग आ गए, गाड़ी को तोड़ फोड़ गया। हाँ, ये चूँकि बच्चों का मामला था, सवेरे का समय था, तो जैसी सूचना मिली तुरंत 100 नंबर की गाड़ी पहुंच गई थी और चूंकि आबादी क्षेत्र था, गांव के बीच रोड पे गांव के पास की घटना थी, कुछ लोग आ गए थे तो उन्होंने 100 नंबर के साथ थोड़ा सा आदाबाई किया, उसमें एक शीशा भी उसका चटक गया है। तो वो बात का विषय है, उसको देखा जाएगा अलग से। अभी जाम की स्थिति क्या है? अब तो जाम नहीं है, तो समझा बुझा के सांकेतिक रूप से लड़कों ने अपनी बात रखने के लिए बात थोड़ी देर के लिए रोका गया था और उसके बाद समझा बुझा के सब बच्चे स्कूल चले गए और जल्दी सामान। धन्यवाद।